आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देखिए, संदेश तो गंगा जमुनी तहजीब का है, पूरे हिंदुस्तान का है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग बालीवुड को कभी भी राजनीति के दायरे में नहीं लाना चाहते हैं। पेशर मरंगर का एक जो गाना था जिस पर भगवा की बिकनी थी, उस पर ढेर सारा बवाल हुआ। पूरे देश के अंदर भाजपाइयों ने पठान का विरोध किया, बाइकाट किया, जिसके खिलाफ हम सभी, हम हैं, मैं बनारस वाले मिश्रा जी, ये मेरा छोटा भाई मोहित शर्मा, ये रविकांत भारती कलकत्ता से, ये राज त्रिपाठी जौनपुर से, लखनऊ से, हम सभी लोग जो है, सभी हिंदू लोग जो है, यह भगवा पहन करके हम लोग आए यहाँ पर। यहाँ पठान फिल्म देखे, बहुत अच्छा लगा। शाहरुख खान साहब को ढेर सारी बधाई है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि पूरे देश के लोग इस पठान फिल्म को देखें, इसलिए ना देखें कि फिल्म देख रहे हैं, इसलिए देखें कि प्यार मोहब्बत और इंसाफ की भी एक लड़ाई है, जिसमें पठान जैसा फिल्म फंसा हुआ है। और उसको हम लोग जो अपना समर्थन और प्यार दे करके इस बात का संदेश दें हिंदुस्तान के अंदर कि हम सभी लोग एकजुट हैं और इस भारत को कभी न टूटने देंगे, न नफरत और हिंसा में गिरने देंगे। देखिए, सबसे पहली बात बताओ, अगर 10 में से नंबर देने की बात करें तो इस फिल्म को रेटिंग जो है वो 9 नंबर की दी जाएगी, या 10 में से 10 नंबर भी दिए जा सकते हैं इस फिल्म को। दूसरी बात यह कि फिल्म देखने का कोई, हमें भी कोई इतना शौक नहीं, इतना टाइम नहीं है। देश के अंदर महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिला सुरक्षितता का मुद्दा है, तो इतना समय नहीं है लोगों के पास कि लोग फिल्म को देखें। लेकिन कुछ जो कहते हैं ना, इस देश के अंदर जो अंधभक्त थे, जो भाजपा ही थे, उन बेचारों को बेहद तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि शाहरुख खान को इस फिल्म का कुछ कलेक्शन इनको अंधभक्तों को जरूर देना चाहिए, क्योंकि फिल्म को जो हिट कराने का श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। इन बेचारों ने बहुत मेहनत करी है, 5 किलो राशन पे जिंदा रहने वाले लोगों ने इतनी मेहनत करी है कि सड़क पर निकल निकल कर दे बायकॉट। और एक तो वो बेचारा, वो जो जल समाधि ले रहा था संत परमहंस, अभी मैं उसको बोलता हूँ कि तू मत दिख जाइयो भाई, देख ऐसा। अभी तो वो शाहरुख खान को ढूंढ रहा था, अब तेरे को जनता बोलेगी कि तू मत दिख जाइयो, क्योंकि उसका काम सिर्फ झूठ बोलने का था। और जो लोगों ने नफरत का एक बाजार और एक माहौल बनाया था, उसको लोगों ने प्यार में तब्दील किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे टिकट्स के यहाँ पर प्रोग्राम है, 10, 12, 3, 6, 8, 8:30 तक का शो है, लेकिन सारे शो जो है वो हाउसफुल है। और पीछे आप देख सकते हो, लाइन भी लिखी है कल की टिकट्स लेने के लिए, अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, कल की टिकट्स के लिए अवेलेबल, आज का शो तो अवेलेबल है ही नहीं। लोगों ने महीने से 10 दिन 15 दिन पहले से अपने टिकट्स को बुक कर रखा था। और प्यार का एक कदम बढ़ाइए, पठान के तरफ जाइए और हिंदुस्तान को बचाइए। देखिए, कोलकाता ट्रेंड हो रहा है। कोलकाता जो है, जो चुनाव हुआ था पिछला, उसमें भी भाईचारा का एक मिसाल यहां का रिजल्ट के तौर पे आया। और उस वक्त गोदी मीडिया, जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा था, गोदी मीडिया के पत्रकार उनका चेहरा उतर रहा था। ठीक वैसे जैसे जैसे शाहरुख खान का फिल्म हिट हो रहा है, वैसे वैसे अंधभक्तों के पेट में मरोड़ मच रही है। और आज मेडिकल स्टोर पे जाके भीड़ देखिए, कितना भीड़ है। उनके पेट में जो मरोड़ मची है, उसके लिए वो लोग दवा खोजने पहुंच गए हैं वहां पे। मतलब दर्द, मरोड़ मतलब बर्नौल बिक रहा है, बर्नौल बिक रहा है, तो अंधभक्तों के पेट में मरोड़ की वजह से। दूसरी नंबर बात, हम लोग यहाँ आए, यहाँ पे एक भी अंधभक्त नहीं मिल रहा है। 2-4 दिन पहले तक अंधभक्त आते थे, बोलते थे चलने नहीं देंगे, लेकिन ये अंधभक्त कहाँ चले गए? शाहरुख खान का फैन इतना है जो आज फिल्म देखने आया है कि अंधभक्त जो है कहीं दिख नहीं रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि पठान मूवी में एक तो पठान जो है मुस्लिम है, और दूसरा देशभक्ति का कार्य किया है, वो देश में आतंकी हमला होने से बचाया है। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम एकता और देशभक्ति का एक जबरदस्त मिसाल कायम किया है शाहरुख खान ने इस हिंदुस्तान की धरती पे। अंधभक्त जो है वो घर में अपने बर्नौल लगा के अभी सो रहे हैं, अभी नई बायकाट का इंतजार करें कि अब किसका बायकाट करें। तो कल के बाद में 26 जनवरी के बाद में मोदी जी ने नया कार्यक्रम देंगे कि आपको किस चीज का बायकाट करना है। तो अभी आप बर्नौल लगाइए और आराम से सोते रहिए, और ध्यान रखिएगा, उठिएगा मत कल से पहले। हाँ, निश्चित रूप से। और प्लान इसलिए किए थे क्योंकि भगवा के नाम पर ही जो है इन्होंने एक बड़ा बायकाट का ट्रेंड स्टैंड किया था। हम लोग भगवा ही पहन करके इस बायकाट का जो है बायकाट करने आए। ये भी जा रहा है कि शाहरुख खान की जो पठान फिल्म है, ये सिर्फ इस वजह से ट्रेंडिंग में आई क्योंकि लोग उसका बायकाट कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, आप नफरत करोगे तो नफरत का जवाब नफरत से दिया जाएगा, और प्यार करोगे तो प्यार का जवाब प्यार से दिया जाएगा। पठान फिल्म में भगवा का नाम आया था, इसलिए हम भाइयों ने इस चीज, भगवा का कुर्ता पहना और पठान फिल्म देखने आए। देखो यार, हमको नफरत नहीं चाहिए इस देश में, हमको नफरत और हिंसा नहीं चाहिए, हमको सबको साथ चलना है। हम लोग घर परिवार के लोग हैं, सस्ती रोटी और सस्ती जिंदगी की जो लड़ाई चल रही है इस देश के अंदर, उस पर हम लोग बहस कर। भाई साहब, हम उसके लिए बात करना चाहेंगे, ध्यान से सुनिए। वही उसी की बात कर रहे हैं, चक्री चाप क्या कहते हैं आप? नहीं, चढ़ी था भैया, बताइए
जो हेमंत बिश्व शर्मा कुछ दिन पहले बोला कि मैं शाहरुख खान कौन है नहीं जानता, और अब शाहरुख खान के फोन पे वो बोल रहा है कि मैं पूरा जो है शाहरुख खान के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करूंगा उनके फिल्म के लिए, तो माफी भी सावरकर जितना जल्दी नहीं पलटा था, हेमंत बिश्व शर्मा उससे जल्दी पलट गया। देखिए कुर्सी संभाल के रखिए, मौसम इस डायलॉग को याद रखिए। और ये जो बाइकाट गैंग है उसका बाप आया, और ये देखिए हम लोग सेकुलर आदमी हैं, हमारा नाम बनारस वाले मिश्रा जी हैं, हम ये रविकांत भारती हैं, ये राष्ट्रीय पार्टी, ये तीनों लोग हिंदू हैं, लेकिन हम इस देश की प्रेम सौहार्द और एकता के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हम फिल्म इंडस्ट्रीज को राजनीति में घसीटना नहीं चाहते, हर एक चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, फिल्म इंडस्ट्रीज का कोई भी एक भी कलाकार हो, वो हमारे देश की विभूति है, और उस विभूति के लिए जब जब इस राजनीति का दंश, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो राजनीतिक जो नफरत है, जो हर जगह नफरत खोजते हैं, उनके खिलाफ हमारे मन में ये गाना आया, और हम ये तीनों भाई एकजुट होकर के, कोई हम लोग सिंगर उंगर नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन और मिजाज लगा कि शाहरुख खान के लिए हम लोग गाना गाएं, तो वो कौन सा गाना है, अन्बर्टो, देखो देखो तेरा बाप आया, बाप आया, बाप आया, किंग खान को भी साथ लाया, पठान आया, पठान आया, पठान जिस तरीके से अनुभक्तों ने बाइकॉट गैंग ने जिस तरीके से पठान मूवी का बाइकॉट करने का काम कर रहे थे, कल हम लोग मिल करके पठान मूवी देखेंगे और फिर से यही गाना गाएंगे, अनुभक्तो देखो देखो वीडियो पठान आया, पठान आया, शाहरुख खान पठान आया। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप खुशहाल होंगे, आप नाचते गाते होंगे, भूल गया चैतन्य महाप्रभु को जो हरे राम हरे कृष्ण करते करते जो है गौरांगों के नाम से फेमस हुए। तो भारत में जितने भी साधु संत बड़े बड़े हुए हैं, समझ लीजिए वो नाच गाना दोनों करते हैं, जो कि उनको परम ज्ञान उपलब्ध हो जाता है तब। ठीक है, एक पत्रकार ऐसे हैं जो बिहार से आते हैं और वो कहते हैं कि गंजेड़ी का बाप, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अब जो कह रहे हैं कि गंजेड़ी का बाप है तो गंजेड़ी तो साबित हो गया ना कि भाई वहाँ पे कौन सही था कौन गलत था, कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दिया। आखिर कहा किसने था? सामने वाला अपना टीआरपी चमकाने के लिए। भाई साहब हम उसके लिए बात करना चाहेंगे, ध्यान से सुनिए, वही उसी की बात कर रहा ना, चक्री चाप क्या कहते हैं देखो देखो तेरा बाप आया, बाप आया, बाप आया, जानवर की पठान लाया। देखिए मैं तो पठान मूवी में जो बना हुआ है ना, जो जो भी पठान मूवी के खिलाफ स्टेटमेंट दिए, उन सभी को कहूंगा कि वो गजेड़ी नशेड़ी वो कुछ भी बोल दे, लेकिन कोर्ट ने जब क्लीन चिट दिया है तो शाहरुख खान की नीयत साफ है,
और शाहरुख खान ओबामा जैसा राष्ट्रपति शाहरुख खान का नाम लिया था और शाहरुख खान के पूरे विश्व में फॉलोअर्स है और ये चड्डी छाप के कुछ चड्डी गैंग वाले जो इसके फॉलोअर है और ये लोग माफी वीर की औलाद है। देखिएगा चार दिन बाद जो है ना कहीं ना कहीं से माफी मांगते हुए नजर आएंगे कि या रोते हुए नजर आएंगे कि लोग हमारी बातें नहीं सुनते हैं, इस तरह की बात करते हुए नजर आएंगे। तो अभी मोदी जी ने एक सभा में एक कहा है अपने भक्तों से कि देखिए बाइकाट गैंग जो है वो फिल्म में हमारे आदमी है, फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म के सेंसर बोर्ड में कौन है तो भाजपा का आदमी है, फिल्म पास कहाँ से होती है भाजपा से होती है, आप लोग बाइकाट मत करिए कि हमारे सरकार किरकिरी होती है। तो मोदी जी के लिए भी एक छोटा सा एक प्यारा गाना फिर से सुने। देखो 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 माया बापाया पठाया। अरे बुलंदी पर जाएगा ये पठान फिल्म, हम लोग जो सेकुलरवादियों का लिए एक स्वाभिमान का ये फिल्म है, हम इस नफरत के खिलाफ अपने इस प्यार और मोहब्बत का एक ऐसी आहुति देना चाहते हैं, सारे हिंदू सारे मुसलमान सारे सिख सारे ईसाई मिल करके इस बाइकाट गैंग के मुंह पर एक काला थमाचा देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं ओ अनबख्तो अनबख्तो देखो देखो तेरा बाप आया बट बाप आया। पठान मूवी की ट्रेलर अब तक की धज्जियां उड़ा चुकी है, अब अनभक्तो मूवी देखो मूवी भी देखो। भैया एक चीज तो अभी बताइए जो हेमंत विश्व शर्मा कुछ दिन पहले बोला कि मैं शाहरुख खान कौन है नहीं जानता और अब शाहरुख खान के फोन पे वो बोल रहा है कि मैं पूरा जो है शाहरुख खान के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करूंगा उनके फिल्म के लिए, तो माफी वीर सावरकर जितना जल्दी नहीं पलटा था हेमंत विश्व शर्मा उससे जल्दी पलट गया। देखो देखो तेरा बाप आया पठाया, देखो 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 शाहरुख खान आया पठान आया पठान आया, भाई मेरी जनता हिंदुस्तान आया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।